Hello everyone, I jumped NCRT class 3rd EVS ka chapter from here to there. The train. Come on, children, let's play a game. Climb aboard the chugging train, blow your whistles and take your seats onto shoulders. इफ़ यू प्लीज तो इसमें हमें बताया गया है ट्रेन के बारे में तो इसमें बोलते हैं कि बच्चों आओ हम एक गेम खेलते हैं हम चढ़ते हैं एक चलती हुई चक चक करती हुई ट्रेन पे, जो अपनी सीटियाँ बचाती है, और आप सब अपनी सीट्स पे बैठ जाओ अपने शोल्डर्स ऊपर करो और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज़ ऐसा करिए फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड इसमें कहते हैं आगे कि आगे बढ़ो फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना बैकवर्ड मतलब होता है पीछे की तरफ आगे बढ़ो पीछे बढ़ो मगर अपनी लाइन में रहो लाइन के बाहर मत भागो स्टेन लाइन एंड योर आइज विद ओपन यू विल नॉट स्पाई तो फिर इसमें आगे है कि जो है आप लाइन में रहो अपनी आंखें बंद करो क्योंकि जो खुली आंखों के साथ आप वो नहीं कर सकते स्पाई का मतलब होता है जासूस तो आप जासूसी नहीं कर सकते हो चक 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 द ट्रेन इज ऑन इज वे स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से तो चक चक करके क्या चलती है ट्रेन चलती है और स्टॉप स्टॉप कौन बोलता है स्टेशन बोलते हैं कि रुक जाओ पैसेंजर्स को उतार दो यहाँ पर ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो हेयर कम्स लाइट्स एंड देयर दे गो रोड्स ऑफ आयरन किसे कहते हैं जो रेल के ट्रैक होते हैं रेल की पटरी जो होती है वो आयरन लोहे की बनी होती है इसलिए जो ट्रेन की जो रोड होती है वो तो लोहे की पटरियाँ होती हैं वो आगे बढ़ती जाती है मूव टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मतलब थोड़ा आगे पीछे ऐसे करके और लाइट्स आती हैं बीच बीच में भी हमें दिखती हैं और हम उससे आगे निकल जाते हैं अक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स पास्ट एजिंग फार्मर्स टेम्पल्स मिल्स और मीडोज मतलब जैसे कि थोड़ा पानी जैसा एरिया होता है जहाँ पे पानी भरा होता है पहाड़ में फार्मर्स किसानों को और मंदिरों को और बहुत सारी जो फैक्ट्रीज होती है मिल्स होती है उनको पास करते हुए ट्रेन आगे निकलती जाती है पास द विलेज विल्स एंड लश्क्रीन फील्ड विथ ब्रोकन वॉल्स एंड पोटैटो फील्ड्स और ये विलेजेस को भी गाँव को भी आगे पास करते हुए निकलती है खेतों को पास निकलती है पास करती हुई लश्क्रीन मतलब हरे भरे खेत और टूटी हुई दीवारों को पास करते हुए निकलती है और पोटैटो फील्ड्स को भी आलू के खेतों को भी स्मोकी क्लाउड्स फेयर्स एंड क्राउड्स विलेज फेयर्स राइडस मेयर्स फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स क्लस्टर्स हर्ट्स bridges and पार्थ धोबी घाट्स स्मॉल टी शॉप्स पर्डल्स इन फ्लॉक्स तो इसमें क्या क्या बताया है? हमें कि ट्रेन किस किस को पास करती है तो जो बहुत ही धुंध वाले बादल होते हैं मेले होते हैं भीड़ वाली जगह होती हैं और जो बच्चे घूम रहे होते हैं उस पर मैच मतलब जैसे मेरी गो राउंड होता है गोल गोल जो घूमता है उस पर जो राइडर्स होते हैं उनको भी पास करती है और चिड़ियों के झंड को भी पास करती है और झोपड़ियों को भी पास करते हुए ब्रिजेस को रास्तों को धोबी के घाटों को छोटी छोटी चाय की दुकानों को सब को पास करते हुए ट्रेन आगे बढ़ती जाती है तो हमें इसके क्वेश्चन देखते हैं पोएम तो हमारी कंप्लीट हो गई हाउ डिड यू लाइक द पोएम आपको कैसी लगी पोएम आप बता सकते हैं आई लाइक इट वेरी मच इट इट टोल्ड अस अबाउट ट्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन वैन क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है तो अगर किया है तो आप लिख सकते हैं येस आई हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन और वैन तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई वेंट टू डेली बाई ट्रेन टू टू माई नानीज हाउस और वट एवर आप ट्रेवल करने जा सकते हैं फॉर ट्रैवलिंग लाइक टू वॉच इंडिया गेट इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आपने ट्रेवल किया है ट्रेन से और क्यों ट्रेवल किया है कब ट्रैवल किया है ऑन दिस डेट और जनवरी फेबरी इस टाइप से करके कैन ए ट्रेन मूव एनी वेयर वाई क्या ट्रेन कहीं भी मूव कर सकती है कहीं भी तो नहीं ट्रेन मूव कर सकती पानी के ऊपर तो मूव नहीं कर सकती है तो आप लिख सकते हैं ट्रेन कैन नॉट मूव एनी वेयर इट कैन मूव थ्रू प्लेस हिल्स माउंटेंस के बीच में से भी रस्ते बनाते हैं ऐसे करके क्यों क्योंकि इट रनस ऑन आयरन रोड जो कि रेलवे के ट्रैक होते हैं और पानी पे नहीं कर सकती है नॉर्मल रोड पे भी नहीं कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लोहे की पटरियों पर रन कर सकती है वॉट इज रोड रोड ऑफ ऑफ आयरन आयरन किसे कहा गया है रेलवे ट्रैक्स को रोड ऑफ आयरन कहा गया है द ट्रेन पास बाय मेक अ लिस्ट तो ट्रेन कहाँ कहाँ से पास कर सकती है इसमें हमें देखिए पूरी लिस्ट दी हुई है आ, ये देखिए ट्रेन कैन पास ओवर हिल्स ओवर टेम्पल्स मिल्स और पोटैटो फील्ड्स ब्रोकन फील्ड्स विलेज फेयर इन सबको लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से ट्रेन पास कर सकती है विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड इन राइट दियर नेम्स इन योर नोटबुक आपने कौन कौन से वहीकल से ट्रैवल किया है आप उनके नाम लिख सकते हैं वहीकल मतलब वाहन जैसे कि ट्रेन हो गया आप लिख सकते हैं ट्रेन से किया है बाइसकल से किया है मोटरसाइकिल से कार से एरोप्लेन से शिप से ऐसे करके आप लिख सकते हैं फिर ड्रेन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड दैकेशन इसमें हमें कुछ बच्चों के बारे में बताया, बताया गया है और उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताईं वो भी बताया गया है आई वेंट टू माई अंकल हु लिवस इन डेली में अपने अंकल के घर गई जो डेली में रहते थे अलियर वी यूज टू गो फ्राम रेलवे स्टेशन टू हिस्स हाउस इन इन अ बस बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फंड वी वेंट बाई मेट्रो विच इसमें जो मैं बोल रही है पिक्चर्स को का मीनिंग समझ के बोल रही जो ऊपर है बस है ही मेट्रो है ये कार है फिर ऐसी एरोप्लेन है और ये एक हट है पेलिंग है पाल की और फिर ये बस है फिर से कार है और फिर बोट है तो मतलब ये दो बच्चे बात कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किस तरीके से ट्रैवल किया तो उन्होंने कहा कि पहले मैं रेलवे स्टेशन से जा जाती थी बस से जाती थी अब इस बार में मेट्रो से ट्रैवल किया मैंने जो कि एक टनल के बीच में से निकलती है तो फिर ये दूसरा बच्चा बोलता है कि मेरी बुआ की वेडिंग थी और मैं अपने बहुत सारे रिलेटिव से मिला हमने काफ़ी सारा अच्छा खाना खाया और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पी हम खेले और भैया जो हैं वो अमेरिका से आए थे प्लेन में फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितनी दूर से आए होंगे और बुआ जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और वो गई थी एक पेलन क्विन मतलब एक पालकी में ये जो है ये पालकी है छोटी सी अब एक और बच्ची बोल रही है कि मैं अपनी नानी के घर गई थी जो कि केरला में है और हम लोग जो गए थे वहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी था बहुत सारा स्टेशन से हम ट्रेन से गए थे और हम कार से भी जा सकते हैं या तो बस से जा सकते हैं या फिर कार से जा सकते हैं और उनके घर पहुंचने के लिए मगर हम लोगों ने स्ट्रेट क्या लिया हम लोगों ने स्ट्रेट एक बोट ली उनके घर तक जाने के लिए और ये बहुत ही मुझे अलग सा लगा और मुझे बहुत मजा आया बोट में ट्रैवल करके फिर और बच्चों के भी बारे में हमें बताया गया कि इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं हम चलिए देख लेते हैं क्या क्या है आगे इनका वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वकेशन हम शिमला गए थे बच्चा बोलता है वैकेशन से हम बस से गए थे और रोड बहुत ही जिक्जैक्ट थी माउंटेन्स थे और काफ़ी मुझे डर लग रहा था और हम लोग को काफ़ी लंबा लंबा पैदल भी चलना पड़ रहा था मेरी दादी थक गई थी तो उन्होंने एक घोड़े पर ट्रेवल किया था और मैं कभी भी मतलब मैं नहीं थका था और मैं आराम से वॉक कर रहा था फिर ये बच्चे बोलती है कि मेरी खाला आ, मैं खाला लिव वेरी क्लोज टू आर हाउस मेरी खाला जो है वो बहुत ही पास रहती है हमारे घर के और जब मेरा वहाँ पे मन जाने मन करता है जाने का तो मैं अपनी बाईसाइकिल पे क्लाइम करती हूँ और चली जाती हूँ और माँ और छोटू रिक्शा से आ जाते हैं फिर इसमें ये बोल रहा है कि मैं अपने मामा जी के विलेज में गया था तो रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कोई बस नहीं थी तो हम एक बुलक कार्ट में ट्रैवल किए और रस्ते में पड़े थे बहुत सारे ग्रीन ग्रीन खेत विच और चिल्ड्रन ट्रेवल तो ने कौन कौन से वहीकल से ट्रैवल किया था देखिए पहले इन्होंने बस मेट्रो कार एरोप्लेन पेलें और फिर से कार आ गई फिर बोट आ गई हॉर्स भी आ गया यहाँ पे बाईस और रिक्शा इन सब से इन्होंने ट्रैवल किया था तो आप ये वाला कह सकते